नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते फरवरी के आखिरी हफ्ते से अब तक कॉपर, जिंक, निकेल, लेड और एल्यूमिनियम जैसे बेस मेटल्स के दाम घरेलू बाजार में 201% तक बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इनमें 300% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स और बर्तन समेत तमाम वस्तुएं महंगी हो जाएंगी जिनमें बेस मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई चेन को भी नुकसान हुआ है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में LPG और CNG की कीमतों में भी प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रूस ऑयल और नेचुरल गैस का एक मेजर प्रोड्यूसर है। यूरोपियन यूनियन के नेचुरल गैस इंपोर्ट की लगभग 40% सप्लाई रूस करता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल, डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी और कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं, जो 14 साल का हाई लेवल है। ऊर्जा की दिग्गज कंपनी शेल ने मंगलवार को कहा है कि वह रूसी तेल और प्राकृतिक गैस खरीदना बंद कर देगी। साथ ही यूक्रेन के आक्रमण पर कंपनियों पर संबंध तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच शेल देश में अपने सर्विस स्टेशन, विमान ईंधन और दूसरे ऑपरेशन बंद कर देगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि चरणबद्ध तरीके से कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित सभी रूसी हाइड्रोकार्बन से वापस लेगी। सोना 1.5 साल से ज्यादा समय बाद फिर से 55,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ने पर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीली धातु की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। MCX पर आज गोल्ड फ्यूचर 1.64% उछलकर 55,111 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं रूस यूक्रेन का असर न केवल क्रूड की महंगाई पर पड़ रहा है बल्कि निकेल, लिथियम और अन्य मेटल्स पर भी साफ दिख रहा है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते निकेल में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। बीते 2 दिन में निकेल के भाव 250% से ज्यादा उछल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रुपए पर दबाव बना हुआ है और इसी का नतीजा है कि ये डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। अभी एक डॉलर की कीमत 77 रुपए के पार निकल गई है। ऐसे में इसमें महंगाई और बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर 80 रुपए तक पहुंच सकता है। रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर्स हैं। रूस और जहां दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले नंबर पे है, तो वहीं यूक्रेन 5वां बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान टॉप 5 देश हैं जो रूस से गेहूं इंपोर्ट करते हैं। वहीं यमन, लीबिया और लेबनान जैसे देश जो पहले से ही युद्ध से गुजर रहे हैं, वो अपने गेहूं के लिए यूक्रेन पर निर्भर हैं। सनफ्लावर ऑयल के मामले में भारत लगभग पूरी तरह से रूस और यूक्रेन पर निर्भर है। भारत में होने वाले सनफ्लावर ऑयल के कुल इंपोर्ट का 90% से ज्यादा इन्हीं 2 देशों से आता है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई थम गई है। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है। इस बीच रूस पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने पाबंदी लगा दी है। इस वजह से दुनिया भर के देशों में कई कमोडिटी की कीमत बढ़ गई है। इससे खाद्य तेल की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। दुनिया भर में खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, उसका भारत पर कुछ ज्यादा असर अभी दिख रहा है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।